नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते लोपानिया ध्याड़े ते लिखे जोखे पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजभवन च डॉक्टर चंचल बसीर नूं दियासियां लिखी दी डोगरी कविता संग्रह उड़न खटोला का विमोचन किया। इस मौके पर उन्हें एक शुभकामना देंदे हुए उपराज्यपाल और आख्या कि डोगरी भाषा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। राजौरी के डांगरी च आतंकी हमले च घायल होए प्रिंस का इलाज जम्मू के गौरमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल से चला करता है, लेकिन ऐतवार अठवें दिन प्रिंस की मौत हो गई। प्रिंस के शव की डांगरी ले जाया गया। मती गिनती च लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सातवां हमारा नौजवान प्रिंस शहीद हो गया। एक माँ के दोनों बेटे दोनों चले गए, देश के लिए चले गए, समाज के लिए चले गए। ये देश कभी इनकी शहादत को नहीं भूलेगा और इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। कठुआ दुष्कर्म ते हत्या मामले के आरोपी शुभम सांगड़ा के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने दसा है कि इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी की कीती जाएगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी हुई है। बालाकोट से नियंत्रण रेखा पर सेना ने दम घुसपैठियों की मारी मकाया है। राजौरी के डांगरी हमले के बाद सीमा पर हाई अलर्ट है। बीजेपी मंडल आसिया राजौरी आतंकवादी हमले च मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उन्हें इस हमले की निंदा की। ये जो जिन्होंने ये नरसंहार किया है, ये टारगेट किलिंग्स की है, वो जल्द उनको भी पता लोग से भी ढूंढकर आने वाले दो चार दिन के अंदर अंदर ही वो जहां भी होंगे उनको निकाल के इस चीज का बदला लिया जाएगा। शिवसेना बाल ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई आसिया जम्मू च प्रदर्शन किया गया। उन्हें टीआरएफ आतंकवादी संगठन की आख्या जे ओ इन दोवे के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं करन, अन्यथा उन्हें की ये माड़े नतीजे भुगतने पोंगन। सरकार से भी हमारी अपील है कि आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने से काम नहीं बनेगा, जम्मू कश्मीर शांत नहीं होगा। आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जो पाकिस्तान है, जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, अब पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया जाए और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। भारतीय सेना आसिया डोडा के ठाठरी ते किश्तवाड़ जिले च सर्च ऑपरेशन चलाया जा करदा है। जम्मू च W20 आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य मकसद महिलाएं की समाज हिस्सेदारी ही यकीनी बनाना है। इस मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर संध्या पुरेचा हो रही। जम्मू च शीतलहर का प्रकोप जारी है। जम्मू च घरा कोना छाएदा है ते लोग ठंडू को बचने लिए अपने घर च गै रोना पसंद करा करदे ने। एह्दे कन्नै गै डोगरी खबर दा बुलेटिन समाप्त होआ। नमस्कार।